सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और पास में बेल आइकन को बजा दीजिए हर एक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने लिए कस्टम पीसी वगैरह बना सकते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से, जो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसा होता है बिल्कुल ही फ्री में, बिल्कुल बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट में अगर आप फ्री को यूज़ कर देते। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अपने लिए खुद एक कस्टम पीसी बना सकते हैं, एक वर्चुअल डेस्कटॉप टाइप, जो आप कुछ दमदार गेम्स वगैरह या फिर कोई पावरफुल काम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। तो वीडियो को यार आगे देखते रहिए, स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आपको कोई स्टेप मिस हो जाता है तो आपको जो मतलब दिक्कत आ सकती है सेटिंग अप करने के लिए। तो खैर शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र खोल लेना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे टाइप करना है एड्रेस पे console.cloud.google.com। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये आपको टाइप करना है एड्रेस। पहले अगर आप इसको पहली बार खोल रहे हैं तो आपको बेसिकली इसमें साइन इन वगैरह करना होगा, तो आप वो सब कर लीजिए और फिर आपके सामने कुछ एक ऐसा स्क्रीन आएगा जैसे कि मेरे सामने भी आएगा, तो आप लोग देख लीजिए। आपके सामने दोस्तों कुछ एक ऐसा पेज आएगा जहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट नेम है वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा, क्या कंप्यूट इंजन वगैरह सारी चीज़ें। अगर आप यहाँ पे नया है तो आपको जो है पहले अपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपना पहले एक प्रोजेक्ट बना लीजिए, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे तुम्हें एक नेविगेशन मेनू दिखेगा, उस पर क्लिक करो और फिर जो यू नो एक कंप्यूट इंजन का सेक्शन आता है यहाँ पे नीचे की तरफ कंप्यूट इंजन, फिर वहाँ पे जाके तुम्हें जाना है वीएम इंस्टेंसेस पे, ठीक है। अब जब तुम वीएम इंस्टेंसेस पे आ जाओगे, वहाँ पे आने के बाद तुम्हें जो है अपने लिए एक वीएम का मतलब है वर्चुअल मशीन, तो तुम्हें अपने लिए बेसिकली जो एक वर्चुअल मशीन बनाना है। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने दो बना के रखे थे अपने खुद के काम के लिए, यहाँ पे मैं तुम सबके लिए एक नया वाला बनाऊंगा। तो क्या करना है, इस पर तुम्हें टैप करना है। अगर तुम पहले आते हो तो तुम्हें सामने यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करो और यहाँ पे बनाते हैं। फिर क्लिक करने के बाद तुम्हें अपने वर्चुअल मशीन का जो नाम वगैरह और जो स्पेसिफिकेशन है वो सब सेट करने होते हैं, तो मैं तुम्हें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, तो यार स्किप मत करना बिल्कुल भी, वीडियो को पूरा देखना। फिर यहाँ पे देखो यार, जो नाम है इंस्टेंस का वो तुम्हें रखना है जो कि तुम रिलेट कर सको अपने अंदर, मतलब किस काम के लिए से बना रहे हो। तो मैं इसका नाम दूंगा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नाम दिया मैंने इसका, सॉरी इसको तुम्हें जो है पूरा लोअर केस में रखना है, मैं भूल गया था, पूरा ही तुम्हें जो है इसे लोअर केस में लिखना है, प्रोजेक्ट 1 2 3 4। चलो अब जो रीजन है वो तुम्हें सिलेक्ट करना है कि तुम कहाँ का वर्चुअल मशीन चाहते हो। देखो यार, अगर तुम कोई हेवी टास्क करते हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम्हारा जो नियरेस्ट है या फिर यानी कि मुंबई जो या फिर जो अगर तुम सिंगापुर में रहते हो तो वो सब सिलेक्ट करो। मैं मुंबई सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ये मेरे से सबसे करीब है, तो यही करते हैं। फिर जो मशीन टाइप है वहाँ पे तुम्हें सीपीयू में तुम्हें कितने कोर्स चाहिए वो सिलेक्ट करने होते हैं। तो मैं अगर तुम्हें 8 कोर वाला सीपीयू चाहिए तो तुम यहाँ पे 8 पे क्लिक कर सकते हो और इसे कस्टमाइज पे फिर क्लिक करो, और तुम्हें जितना रैम चाहिए वो तुम इसको कहते हैं RAM 30 GB, तो इसको तुम एक्सपेंड भी कर सकते हो यहाँ से, तुम्हें जितना चाहिए एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। तो मैं इसको कर देता हूँ, ये देखो 52 GB ऑफ रैम। फिर GPU अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो अभी तुम ग्राफिक कार्ड को जो है इससे लिंक नहीं कर सकते हो, वो एक गलत बात है मुझे पता है, पर फिर भी यार सही है। तो फिर इसको रखते हैं, मतलब अगर तुम्हें इंटेल Xeon CPU मिल रहा है वो भी 52 GB रैम के साथ, मतलब समझ सकते हो बहुत दमदार CPU होगा। फिर ये बहुत ही मेन चीज़ है जो बूट डिस्क है, इसको तुम्हें चेंज करना है। इस पर क्लिक करने के बाद तुम्हें यहाँ से जो है अपना मशीन टाइप सिलेक्ट करना होता है, तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं विंडोज सर्वर 2019 डेटा सेंटर, ठीक है ये वाला। इस पर सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें यहाँ पे दिखाया जाएगा स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क, और ये जो है तुम्हारा हार्ड ड्राइव स्पेस होगा, तो इसको तुम एटलीस्ट यार जितना तुम्हारा ज़रूरत है, मतलब अगर सपोज तुम खेलना चाहते हो GTA V तो उसको इंस्टॉल और डाउनलोड वगैरह करने में तुम्हें वहीं पे करीब 120-130 GB तुम्हारे चले जाएंगे, तो उस हिसाब से एडजस्ट करो। हम इसको 200 GB रख देते हैं और फिर इसको सिलेक्ट कर देते हैं, और अब साइड में तुम्हें जो है कुछ आवरली एस्टिमेट दिखाएगा जो कि मतलब तुम्हारे जो फ्री क्रेडिट है अपने अकाउंट में, जो $300 का फ्री क्रेडिट तुम्हें मिलता है उससे डिडक्ट होगा। तो
देख सकते हो कुछ 731 डॉलर्स आवरली जो है ये मशीन कंज्यूम करेगा। तो और जो मंथली कॉस्ट है, अगर तुम इसे 24/7 रन करते हो तो जो कॉस्ट है वो है 533 डॉलर्स का, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। लेकिन ये फ्री है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो देख सकते हो फ्री क्रेडिट विल बी यूज फॉर यूजिंग दिस वीएम, तो इसको क्रिएट करते हैं। अब कैसे इसको कनेक्ट करना है, मैं तुम्हें वो सब भी बिल्कुल दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे तुम इसको एक्सेस कर सकते हो। तो देख सकते हो ये क्रिएट हो रहा है प्रोजेक्ट 1 2 3 4, और ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें साइड में जो एक RDP नाम का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करो और फिर क्लिक करो सेट विंडोज पासवर्ड। इस एरो पे क्लिक करने के बाद सेट विंडोज पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें जो यूज़र नेम देना है तुम्हारा पीसी का, जो भी यूज़र नेम है, ये लॉग इन टाइम करते वक्त मतलब तुम्हें लगेगा, तो बहुत सिंपल सा रखो जो तुम याद कर सको। मैं इसका नाम दूंगा यूज़र 1, और फिर इसको सेट करते हैं। और फिर इसके बाद तुम्हारे सामने जो एक पासवर्ड आएगा उसे तुम्हें कॉपी कर लेना है। तो इसलिए हम लोग पहले एक नोट पैड पर एक फाइल वगैरह बना लेते हैं, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसका हम नाम रख देखते, कुछ भी नाम रख देखते हैं, और फिर इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे जो हम अपना पासवर्ड को कॉपी कर लेंगे जो कि यहाँ पे शो करेगा। अभी ये सेट नहीं हो, एक सेकेंड रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है गाइस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये देखो आ गया हमारा न्यू विंडोज़ पासवर्ड, इसको तुम्हें जो कॉपी कर लेना है, इसे याद रखना है। इसको तुम बाद में चेंज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम लॉग इन के लिए जो है ये चाहिए। तो इसको कॉपी कर लिया हमने, और फिर यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये जो है तुम्हारा विंडोज़ पीसी बन चुका है। अब तुम्हें इसे कनेक्ट कैसे करना है मैं वो तुम्हें दिखाऊंगा। तो अपने पीसी पे जो है विंडोज़ मेनू खोल लो, और फिर ये जो है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन नाम का तुम्हें एक ऐप दिखेगा। ये सबके पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है लेकिन कोई इसे खास यूज़ नहीं करता है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। क्लिक करो इस पर, एंड यहाँ पे तुम्हें जो अपना आईपी एड्रेस वगैरह डालना है, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे तुम क्या डालोगे, ये जो तुम्हें दिखा रहा है 35.244.38.77, ये जो है तुम्हें कॉपी कर लेना है, और फिर रिमोट डेस्कटॉप खोल के यहाँ पे इसे पेस्ट करना है, ठीक है। यूज़र नेम देख सकते हो यूज़र 1 ऑटोमेटिकली आ चुका है। अगर नहीं आता है तो शो ऑप्शंस पे जाके इसे चेंज कर देना यूज़र नेम को, फिर करेंट पर क्लिक करो। अब ये थोड़ा टाइम लेगा वगैरह कनेक्ट होने में, और फिर तुमसे जो पासवर्ड पूछेगा जो कि हमने वो किया था, कॉपी किया था, तो हम उस पासवर्ड को खोल लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर ली हमने, अब इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। रिमेम्बर मी को टिक कर देना ताकि बार बार पासवर्ड देने की ज़रूरत ना पड़े, फिर ओके कर दो। और यस देख सकते हो ये कनेक्ट हो रहा है, एंड तुम्हारे सामने तुम्हारा जो वर्चुअल पीसी है उसका स्क्रीन कुछ ऐसे खुलेगा। तो अब देख सकते हो तुम लोग, मैंने इसको फुल स्क्रीन कर दिया था, तो ऐसा कुछ तुम्हारे सामने पीसी वगैरह आता है। अब इसको इसके जो स्पेक्स हैं मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ, देख सकते हो। इसको इसको एक काम करो, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इसको कैसे तुम अपने यूज़ के लिए सेटअप कर सकते हो। तो ये देखो, इसको लिख क्लिक कर दो, डोंट शो दिस मैसेज अगेन, कुछ भी छेड़छाड़ मत करो, उल्टा सीधा चीज़ें मत करो। टूल्स पे जाओ, एक सेकंड मैनेज पे जाओ, और फिर सर्वर मैनेजर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो, डोनर स्टार्ट इस पे टिक कर दो, ओके कर दो, फिर इसको क्लोज कर दो ताकि ये बार बार पॉपअप ना हो तुम्हारे सामने। फिर इस पीसी के मैं तुम्हें स्पेक्स दिखा देता हूँ। सिस्टम पे क्लिक करो और देख सकते हो तुम लोग खुलेगा ये देखो रैम, देखो हमने जितना सिलेक्ट किया था 52 GB ऑफ रैम है, साथ ही तुम्हारा जो प्रोसेसर है वो है इंटेल ज़ियोन। इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, इंटेल ज़ियोन प्रोसेसर्स वगैरह कितने कोर्स हैं मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ। देख सकते हो बहुत एक पावरफुल सा सीपीयू है, ये वर्चुअल सीपीयू कह सकते हैं एक टाइप से, फ्री में हमको ये एक्सेस करने को मिल रहा है। तो दिखा देता हूँ मैं तुम्हें परफॉर्मेंस में आके सीपीयू। अगर एक बात है गाइस, अगर तुम्हारा इंटरनेट अच्छा है तो तुम इसको आराम से क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा इंटरनेट उतना अच्छा नहीं है तो फिर तुम्हें दिक्कत हो सकता है, लैग हो सकता है। तो अगर तुम्हारे पास अच्छा इंटरनेट है तुम इसको मतलब बेझिझक गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो गाइस, मैंने जो लास्ट वर्ड बताया था, जो रैम का फ्रीक्वेंसी देखो, देखो भैया देखो कितना फ्रीक्वेंसी, 18,756 MHz का फ्रीक्वेंसी। मेरा जो लोकल पीसी उसमें फ्रीक्वेंसी है करीब 2,400 का, लेकिन इस पे देखो भाई, बाप रे बाप।
और ये देखो 8 कोर वाला सीपीयू वगैरह तो बहुत पावरफुल है। अब तुम इस पे एक काम कर सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह खोल के गूगल क्रोम और फायरफॉक्स डाउनलोड कर लो, फिर बाकी के ऐप डाउनलोड कर लो, गेमिंग जो जो कुछ भी करना है। इस पे जो है इंटरनेट का स्पीड होता है वो बहुत दमदार होता है, मतलब 100 GBPS के आसपास इसका स्पीड होता है, ठीक है? तो बहुत दमदार होता है परफॉर्मेंस। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ प्रूफ अगर हो सके तो। क्रोम को डाउनलोड हम लोग बाद में करेंगे। खैर यार वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाते क्योंकि लंबे वीडियो तुम सबको पसंद नहीं है, मुझे पता है। तो गाइस यार मिलते हैं अगले वीडियो में, और आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पार्ट 2 को देखने के लिए यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दो ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए इसका अगले वाला वीडियो, बेसिकली पार्ट 2 होगा। तो बस यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।